नमस्कार दोस्तों, यह है शिवशंकर कर्सिफन जयपुर राजस्थान से। आपने अब तक जो देखा था वो ग्रीन एप्पल बेर देखा था। आज हम ये देख रहे हैं जो हमने अभी ये जो न्यू वैरायटी लगाई है कश्मीरी एप्पल बेर। ये कश्मीरी एप्पल बेर के अभी हमने न्यू प्लांट लगाए हैं। करीब 45 दिन हो गए ये प्लांट लगाए हुए हैं और इनकी हाइट और ग्रोथ आप देख सकते हो। ये 6-6 इंची के प्लांट आए थे। 45 दिन में आप इनकी हाइट और ग्रोथ देख सकते हो। राजस्थान में ग्रीन एप्पल बेर का तो फिर भी है, ये नई वैरायटी है जो अभी तक प्रॉपर किसी ने भी इसका रिजल्ट नहीं देखा। हमने भी उसी पर्पज से अपने 4 बीघा ज़मीन में लगा के देखा है। 600 प्लांट लगाए हैं कि कैसा इसका रिजल्ट रहता है, क्या इसकी क्वालिटी रहती है, सारा सिस्टम हम भी इस साल लगा के देख रहे हैं। और जो जो क्वालिटी और रिजल्ट रहेगा हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। इसमें भी ये बेर आके बेर बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो ग्रीन एप्पल बेर से बाद में स्टार्ट होते हैं, जो अब नवंबर में ये बेर बनना स्टार्ट हो गए। ये देखिए फ्लावरिंग भी चल रही है और बेर भी बन रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से देखिए, ये कश्मीरी एप्पल बेर है जो अपने फार्म पे अपने ने लगाया अभी कुछ दिनों पहले ही। ये देखिए अपना फार्म जो कश्मीरी एप्पल बेर लगाए हैं वो देखिए साहब, क्वालिटी और साइज देख के तो अभी जो कंडीशन प्लांट की है उस अकॉर्डिंग लग रहा है अपने को कि सक्सेसफुल होगा। जैसे अपने ग्रीन एप्पल बेर सक्सेसफुल है पूरी तरह, अपने ने उसका प्रोडक्शन भी ले लिया और इस साल भी ले रहे हैं, तो वो अपने प्रॉपर सक्सेस है। और अपन इसका फर्स्ट ईयर ही लगाया है ये प्लांट, तो ये फर्स्ट ईयर ही इसका देख रहे हैं क्या क्वालिटी रहती है, क्या रिजल्ट रहता है, क्या बेनिफिट रहता है, वो सारी चीज़ें अपन अच्छे से देख रहे हैं क्योंकि अपना फर्स्ट ईयर ही है। और ये फर्स्ट ईयर में देखिए, आप देखिए कश्मीरी एप्पल बेर जो कि बेर बनना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल आप देखिए, ये इसकी फ्लावरिंग और नई फुटान सारी अच्छे से देखिए। ये अपने ने 600 पेड़ लगाए हैं अभी कुछ दिनों पहले, तो इनकी साइज और हाइट अच्छे से देखिए। प्लांट लगाना चाहिए बहुत अच्छी बात है, पर प्लांट ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन से ही लगाना चाहिए। ये मैं मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सबसे बेस्ट ड्रिप इरिगेशन से अपन पौधे को तैयार कर सकते हैं कम पानी में, अच्छी पैदा कर सकते हैं अपन। ये देखिए इसमें जो अब फ्लावरिंग भी आ रही है, बेर भी बन रहे हैं।
वो अपना ग्रीन एप्पल वेयर का फार्म है सामने जो दिख रहा है, और उसी के अटैच में ये कश्मीरी एप्पल वेयर लगाया है अपन ने, जो 600 प्लांट है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है, वो भी सारी डिटेल आपको टाइम टू टाइम बता दी जाएगी अपने चैनल के थ्रू। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परंपरागत खेती को छोड़िए और टेक्निकल खेती में आइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि पुश्तैनी खेती से सिर्फ पेट भर सकता है, एक बिजनेस नहीं हो सकता। और अगर बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ नया करिए, टेक्निकल करिए। मेरे वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है कि किसान भाई आगे बढ़ें, परंपरागत खेती को छोड़ें और कुछ नया सीखे और आगे बढ़े। मैं सभी किसान भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूँ। ये मेरा कश्मीरी एप्पल बेर का नया जो लगाया हुआ है वो है।